मानसून की तैयारियों को लेकर हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क के साथ ड्रेनेज बनाए, वहीं आईपीएच को निर्देश दिए गए हैं कि वो पानी के टैंकों की बाकायदा सफाई रखें। तैयारी के लिए हमने एक बैठक करी थी, जिसमें हमने सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए थे, जैसे पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए हैं ड्रेन ठीक से सड़क के साथ बनाने की, क्योंकि ऐसा देखा गया है वही पानी फिर जो है लैंडस्लाइड्स का कारण बनता है। ऐसे आईपीएच को भी डायरेक्शन दी है कि वो पानी की टैंक्स को साफ करे और क्लोरिनेशन करे प्रॉपरली। ऐसे हेल्थ को भी दिया हुआ है कि वो अपने जो वाटरबॉर्न डिजीजेस की के लिए जो प्रिकॉशंस लेनी है वो सारी वो ले, और वो जो ORS और बाकी चीज़ें जो डायरिया के लिए होते हैं वो लोगों तक पहुँचाए। ऐसे ही सभी लोगों को ये डायरेक्शन दिए। साथ में हमने 15 सितंबर तक जो है पहाड़ियों की कटान भी हमने बंद कर रखी है, तो होमगार्ड भी हमारे तैयार है, पुलिस भी तैयार है, तो हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरी तरह से सक्षम है जो भी ये जो आने वाला जो चल रहा मानसून है।